हाई गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग और पता है आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई सर्दी की दवाई खा के सोती हूँ ना तब तो, तो ऐसी बैठ बजती है सुबह उठ ही नहीं पा रही होती बिल्कुल ही नहीं उठ पाई तो उस चक्कर में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया अभी कोई हेलोइन डे के चक्कर में ही सही पर मुझे थोड़ा सा क्राफ्ट करने को तो मिला अच्छा लग रहा है ना कैसा लग रहा है विच के बाल और उसके खूंखार दांत सच में बहुत अच्छा लग रहा है कैसी लग रही है गायरा ओह आज मुझे ना मेरा खुद का काम है नर्सरी का इसलिए मैंने बोला नहीं आज मैं अभी जाऊंगी स्कूल साथ में मेरे को ना मिट्टी के गमले ही चाहिए तो मैंने सोचा सीमेंट वाले अभी नहीं लाने मुझे सिर्फ मिट्टी वाले लाने हैं क्योंकि ना बहुत अच्छे रहते हैं गर्मियों में भी ठंडक अच्छी खासी मिलती रहती है पौधों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती अच्छे से चलते हैं ये छोटे वाले तो हाँ तो और ये वाला तो ये वाला निकाल दो ना एक एक ये वो निकाल दो और एक एक और ऐसा वाला ही निकाल दो चलेगा विंटर्स में क्या होता है ना बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है और बहुत जगह पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन्हें सेपरेट करके रखना चाहिए कहीं वो ख़राब ना हो जाए बहुत ज़्यादा पानी डालने या फिर ज़्यादा ठंड की वजह से तो बहुत सारा कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि नहीं यार मुझे इसको सेपरेट करके किसी और प्लांट प्लांटर में रख दूँ तो मैंने इसके लिए स्पेशली दूसरा पॉट ले लिया सीज़न कोई भी हो बट थोड़ा बहुत प्लांट की केयर तो करनी ही पड़ती है और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स मुझे दिख रहे थे और ये जो बर्ड बर्ड्स के पानी पीने के लिए है ना उसमें भी आप काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं उसमें भी खास करके कुछ मिनिएचर वगैरह बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं और मिट्टी के मैंने स्पेशली इसलिए लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा केयर की उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सीमेंट वाले में फिर भी ज़्यादा देखना पड़ता है घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा बना रहे उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ प्लांट्स घर के अंदर भी हो हाँ बच्चों के छोटे बच्चे जब तक है तब तक आप प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्लांट्स घर के अंदर नहीं रख सकते मैंने इसीलिए बहुत सारे प्लांट्स को बाहर रख दिया है बट uh, अगर घर के अंदर ज़्यादा बड़े लोग हैं और प्लांट्स को रख सकते हैं तो तो बहुत बेस्ट रहता है एटलीस्ट At एटमोस्फेयर थोड़ा सा अच्छा बना रहता है काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाती है जल्दी का फ़ोटो खींच लेते हैं उसके रुक तो जा बेटा रुक तो जा इसकी एक फ़ोटो खींचना ना मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द है जल्दी से फोटो खींचेंगे तब तो हम घर जाएंगे तो जंगल में बैठे रहेंगे क्या मेरे पास विपिंग क्रीम का पैक पड़ा हुआ तो है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अब एक्सपायर हो चुका है तो मुझे दूसरा क्रीम लेना ही था और ये शॉप है जो कि बड़ोडा में काफ़ी अच्छी होल वाली प्राइ रेट पर देती है तो ये सारी चीज़ अगर रेडीमेड मिल जाए तो काफ़ी सारी मेहनत कम हो जाती है बनाने की भले आप बनाना जानते हो या उससे नहीं फर्क पड़ता बट जब आप जल्दीबाजी में होते हो तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कल का एनिवर्सरी का कुछ प्लान भी बन रहा है कि कहीं जाना है या नहीं जाना है आउट ऑफ स्टेशन तो हम जा नहीं सकते तो पास में ही कहीं पे देखेंगे जाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं उसके लिए डेकोरेशन को स्किप करूँगी बट मुझे ये सारी चीज़ें लेनी थी ऐसे ही घर में रखने के लिए और जब भी ज़रूरत हो तब यूज़ में छः साल हो जाएंगे पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे चले जाते हैं और बहुत सारा कुछ लगता है कि यार इतना जल्दी इतना टाइम कैसे बीत गया और बहुत सारा कुछ होता है दिमाग में कि ये करना था ये यहाँ जाना चाहिए था वहाँ जाना चाहिए था बहुत कुछ होता है और ऐसा फील होता है ना कि हर बार कुछ स्पेशल करना चाहिए एनिवर्सरी है या बर्थडे है या कुछ भी है तो वैसा ही लगता है हेलो गाइस ये है केक एंड बेकर्स वाली शॉप यहाँ पर मिलता है परोडा का सबसे किफायती होल सेल सामान तो यहाँ पे मैं हमेशा जब भी मुझे बनाना होता है ना केक तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ मैंने लिया है बहुत सारा सामान तो गईस मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने डिसाइड किया अभी केक बना लेते हैं केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा और साथ में पिसी हुई चीनी मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना छोटा सा ही बनाना है तो कुल मिला के बात ये है कि एक कप मैदा लिया है आधा कप शुगर लिया है माप के लिया है बिकॉज़ इसमें प्रॉब्लम हो जाती है अदरवाइज और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी वन बाय फोर्थ चम्मच जितना सबको मैं अच्छे से छान रही हूँ बिकॉज़ अच्छे से ना छानो ना तो वो फ्लफ़ीनेस नहीं आता केक के अंदर और मेरे पास काफ़ी सारे एसेंस पड़े हुए हैं तो अभी देखते हैं मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ तो मैं उसके लिए चॉकलेट एसेंस का यूज़ कर रही हूँ विदाउट एसेंस भी अच्छा लगता है बट थोड़ा सा एसेंस डालने के बाद जो फ्लेवर आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इस बार मैंने दही का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे बनाना था चॉकलेट केक तो मैंने दही को स्किप कर दिया है और मैंने एक केक टिन लिया है और उसके अंदर की केक टिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला ले लिया मैंने और मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई केक केक टिन बड़ा हो गया और पैन फिर मुझे इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा पैन के अंदर ये मेरा एक पुराना पैन है जो अब यूज़ में नहीं आता है तो मैं इसको कभी कभार यूज़ कर लेती केक वगैरह बनाने के लिए और इसके अंदर नमक लग गया था केक टिन के अंदर तो मैंने उसके लिए उसको पानी के अंदर डाल दिया है इस तरह से ताकि सारा नमक हट जाए और मुझे जब इसको डिमोल्ड करना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो केक बहुत ही अच्छा जालीदार बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है अब मैं खा के आ, मैं खा के ही बता सकती हूँ आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना और रोटी वगैरह को रैप करने के लिए जो पेपर हम यूज़ करते हैं है ना मैंने उसी का यूज़ किया था दूसरा बैटर भी मैंने रेडी कर लिया है जो कि मैंने बनाने के लिए रखा है कपकेक, और इसके अंदर मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है इस बार मैंने दही को भी स्किप किया है और कपकेक में मैंने घर की बनाई हुई टूटी फूटी डाल रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़र में रख के स्टोर कर देती हूँ तो ये जब भी बनाना होता है ना अच्छे से यूज़ में आ जाता है जब भी इच्छा हो यूज़ में ले लो सारा नहीं ले जाते नहीं ले जाते सारा हाँ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और मैदा दोनों ग्रीस कर दिया है और उसके बाद मैं इसके पैटर को अंदर रखने वाली हूँ वैसे आप ये वाला जो स्टेप है ना उसको स्किप भी कर सकते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती मुझे लगता है मैंने बेकार में ही इतना मेहनत कर दिया बट विदाउट उसके भी काफ़ी अच्छा बन जाता है मैंने सोचा कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए बट कप केक बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये टूटी फ्रूटी डाल के जब भी बनाओ ना तो मुझे लगता है पंद्रह मिनट में बहुत बढ़िया डिश जो आप बच्चों के लिए बना सकते हो कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हो ना तो भी आप आराम से बना के लेके जा सकते हो बहुत मज़ा आता है बाहर का केक स्पेशली बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और कभी भी कोशिश करती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ बहुत सारा बन भी जाता है और कहीं ले जाने का प्रिपरेशन कर मैं। देख रही हूँ तो यस आपने ठीक तो समझा तो हम कहाँ जाने फ्लुफी वाले हैं है। आपको फ्लुफी अगले व्लॉग में पता चलेगा मन बन तो गया है बहुत ही टेस्टी और एकदम फ्लफी बना है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से कप के अंदर कप केक इसके ऊपर डायरेक्ट चॉकलेट गार्निश करके या फिर व्पिंग क्रीम के साथ डायरेक्ट एकदम बढ़िया वाली डिश बन जाएगी मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ हाँ कैसा लग रहा है ना मस्त एकदम गर्मा गर्म हाँ हाँ बढ़िया है गाइस तो कपकेक अभी रेडी हो गया है और अब मैं चलती हूँ सोने कपकेक केक को अंदर रखती हूँ और अब मैं जाती हूँ सोने बिकॉज अब रात के ग्यारह बज गए हैं मतलब मैंने बहुत ज़्यादा देर से स्टार्ट किया था बनाना पंद्रह मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो गया है चलो बाय आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बाय